नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें सरकार हर महीने 1500 रुपए की राशि सहायता स्वरूप देगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को बिहार सरकार प्रत्येक महीने 1500 रुपए की राशि देगी। ऐसे बच्चों को बाल गृह में रखकर सरकार इनकी देखभाल भी करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे बच्चों की सहायता के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई। योजना का नाम बाल सहायता योजना होगा। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष के होने तक इस योजना से लाभ मिलता रहेगा। मंत्रिमंडल ने योजना के साथ ही इसके संचालन के लिए भी बजट में उपबंध के अधीन व्यय की अनुमति भी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान देना है। सूत्रों की माने तो योजना के तहत अनाथ हुई बच्चियों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन की व्यवस्था दी जाएगी। यदि बच्चे बच्चियों की परवरिश के लिए परिवार का कोई सदस्य तैयार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में उन्हें समुचित देखभाल के लिए बाल गृह में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों को योजना के तहत लाभ देना है उनका नाम पर सरकार बैंक खाता खुलवाएगी, जिसमें प्रति माह 1500 रुपए RTGS किए जाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।